अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिसबा किचन में। आज हम बनाएंगे वाइट चिकन कोरमा, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज सा बन के तैयार होगा। तो चलिए अब हम हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन वाइट कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ मैंने ली है 250 ग्राम चिकन। इसमें अब हम 3 टेबल स्पून दही मिलाएंगे, नमक स्वाद अनुसार, वन टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब हम अच्छी तरीके से चिकन में मिक्स कर देंगे और चिकन को अब हम मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम वाइट कोरमा बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक लार्ज साइज ऑनियन, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 4 हरी मिर्चें, नमक स्वाद अनुसार, 10 से 12 काजू, 1 कप दही। अब हम कुछ खड़े गरम मसाले लेंगे। इसके लिए हम 4 हरी इलायची लेंगे, 3 लौंग लेंगे, 4 ब्लैक पेपर पाउडर, 1 सिनेमन स्टिक, 1 तेज़पत्ता लेंगे। अब हम एक बर्तन में 4 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। सबसे पहले अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम हल्का सा पकाएंगे, बस इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। 3 मिनट बाद हम इसमें 4 हरी मिर्ची ऐड करेंगे, काजू ऐड करेंगे और नमक भी डाल देंगे। 1 कप पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे 5 से 8 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसे ठंडा होने के बाद मिक्सर में पीस देंगे। इसके ठंडे हुए तक अब हम जब तक के चिकन को गोल्डन फ्राई करेंगे। इसके लिए हम एक पैन लेंगे। फ्राई पैन में हम 2 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें हमारा एक एक करके चिकन डालेंगे। चिकन को हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। फिर अब हम इसकी साइड टर्न करेंगे, इसे भी 2 मिनट तक पकाएंगे, हल्का सा गोल्डन होने तक पकाएं। और बटर हम इसमें ऐड करते ताकि चिकन में एक अच्छा सा फ्लेवर आए। आप देख सकते हैं इधर से ब्राउन हो गया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल, प्याज का मिक्सर हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसे एक मिक्सर में इसका पेस्ट बनाएंगे। अब हम सेम बर्तन में 2 टेबल स्पून बटर डालेंगे, हमारे खड़े गरम मसाले डालेंगे। अब हम इसमें हमारा पेस्ट ऐड करेंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक बटर में भून लें। इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। मिक्सर में जो पेस्ट था उसमें मैंने पानी ऐड करके इसे भी मैंने इसमें मिला दिया। 3 मिनट हो गया है। अब हम इसमें हमारा दही ऐड करेंगे। ग्रेवी हमारी पक रही है, जब तक कि अब हम हमारे चिकन में कोयले का स्मोक देंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ सके। कोयले के स्मोक से हमारी ग्रेवी में, वाइट कोरमे में, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। यहाँ मैंने कोयला रख दिया है। इस पर मैंने 1 टेबल स्पून घी डाल के इसे ढककर रख दी हूँ। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। मसाले में चिकन अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसे 5 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि ऑयल हमारा सरफेस पे आ जाए। इसमें मैं पानी 1 कप ऐड कर रही हूँ। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना आप पानी ऐड कर सकते। कोरमा है, कोरमे की ग्रेवी थिक होती है, ज़्यादा लिक्विड ना करें। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी मैंने इतनी ही रखी। कोरमा हमारा तैयार है। आप देख सकते हैं बटर हमारा अच्छी तरीके से सरफेस पे आ गया है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई कोथमीर से गार्निश करें। एक बॉईल आने तक पकाएंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं चिकन वाइट कोरमा हमारा कितना अच्छे तरीके से बन के तैयार हो गया। अब हम इसे सर्व करें। चिकन वाइट कोरमा हमारा बन के तैयार हो गया। आप इसे तंदूरी रोटी या चावल के साथ में सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वाइट चिकन कोरमे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।